कैब को लेकर देश भर में विरोध की तस्वीर के बीच कटिहार में बगैर किसी राजनीतिक दल के बैनर के ही आम लोग ने कैब के समर्थन में सड़क पर जुलूस निकालकर इसे मजहबी रंग देने वालों को चेताते हुए कहा कि ये कानून हर भारतीयों के हित में है। कैब के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि बेवजह कुछ राजनीतिक लोग अपने वोट बैंक के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सड़क पर उतरकर गली मोहल्ले तक जाकर शांतिपूर्ण ढंग से लोगों को इस कानून के बारे में समझा रहे हैं। लोगों ने इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों से अपील की है कि अगर किसी को विरोध भी जताना है तो उसके लिए आंदोलन के नाम पर हिंसा का रास्ता छोड़कर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करें। सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो है उसमें सीधी सी बात है कि जो 1971 के पहले जो यहाँ पर थे वो यहीं पर रहेंगे, और इसमें धर्म को एक आधार बनाया गया है। धर्म का आधार, मजहब का आधार इसलिए बनाया गया कि सिर्फ हिंदुओं को, सिखों को, बौद्ध को, पारसियों को और जो जैनी हैं उनको जो है यहाँ का नागरिकता मिले, लेकिन मुसलमानों को नहीं मिले। मुसलमानों को इसलिए नहीं मिले क्योंकि मुस्लिम और मजहब के आधार पर तो देश का बंटवारा था, उनको तो उनका हक मिल गया, बात इतनी सी है। लेकिन जो मुसलमान यहाँ रहने उनको तो भगाया नहीं जा रहा, वो तो हमारे भाई है, वो पहले भी यहाँ रहते तो वो यहाँ रहेंगे। बात तो एनआरसी की जो बात है, कॉमन सिटीजन अमेंडमेंट बिल और एनआरसी, इन दोनों को अगर हम लोग अलग अलग करके नहीं देख सकते। सपोज मैं हिंदू हूँ और 1971 से पहले मेरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या मुझे एनआरसी जब लागू होगी तो मुझे इस देश से निकाल देना चाहिए क्या? आप लोग समर्थन में जरूर से जी बिल्कुल, एनआरसी का भी समर्थन होगा, या तो सीएबी का समर्थन है, एनआरसी का भी समर्थन होगा। ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, ये नागरिकता छीनने का बिल नहीं है, ये नागरिकता देने का बिल है वैसे लोगों को जो धार्मिक प्रताड़ना सह के पिछले कई वर्षों से भारत में रहते। ये पूरा कॉलोनी रिफ्यूजी कॉलोनी है, जो बांग्लादेश से जो लोग आए आज हमारे भाई लोग हैं उनको अब तक स्थायी नागरिकता नहीं है। तो ये कम से कम एक राष्ट्रहित में हमारे गृह मंत्री माननीय और प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सराहनीय कदम देश हित में उठाया। इसमें किसी मुसलमान भाई को जो वर्षों से जो देशवाली हैं उनको कोई डरने की कोई जरूरत, उनके लिए कोई मतलब उनका बिल से कोई वास्ता है ही नहीं। ये तो नागरिक संशोधन बिल है, अभी एनआरसी का मुद्दा बहुत पीछे है, अभी ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, इसको और एनआरसी से मत जोड़िए आप। एनआरसी दूसरी चीज है, ये वो रजिस्टर्ड अपन वो नागरिकता वो रजिस्टर्ड कौन उसमें हमको जाना। ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल का हिंदुस्तान विकास मोर्चा परिवार एक सामाजिक संगठन से हम लोग सभी लोग आए हुए हैं, हम लोग समर्थन ये पूर्ण रूप से दे चुके हैं।